देखिए, मैं इसको अपने तौर पर ये कहूँगा कि ये चीज़ अगरचे मतलब यानी कि सोशल डिस्टेंस का जो मसला है और SOPs का मसला है वो अपनी जगह है। जब दुनिया जहान के काम हो रहे हैं तो शादी हॉल पर भी पाबंदी लगाई जाए कि वो अगर SOPs का अमल न करेंगे तो हम इसके साथ तादीबी कार्रवाई करेंगे, जुर्माना लगाएंगे। अच्छा ठीक है, तो और रियासत मतलब यानी कि शादी की पाबंदी ज़रूर हटाए, ये बहुत बड़ा नुकसान है। इस्लाम के अंदर ये कानून बना हुआ है कि जो काम सबसे जल्दी किए जाते हैं उनमें से बच्ची की रुखसती है वो भी बड़ा जल्दी का अमल है अच्छा इस्लाम के। जैसे कि मैयत हो जाए तो फ़ौरन गुसल करा, जनाजा पढ़ा दो, कर्ज हो तो फ़ौरन अदा कर दो। इस तरह बच्ची की शादी की बात आ गई, रिश्ता आ गया तो अब देर ना करो। तो हमारे पाकिस्तानियों से भी दर्ज करूँगा कि जब तक ये रियासत इस बात पर अमल नहीं कर रही और ऐसा काम नहीं ला रही कि शादी की इजाज़त दे, तो कम से कम आप मेहरबानी करके शादियां करें। ठीक है, मतलब यानी कि आप खाना नहीं कर सकते और सब तो कुछ कर सकते हैं, निकाह मस्जिद में होता है, निकाह मस्जिद में हो जाए। हमारे तो तकरीबन 99% लोग मस्जिद में निकाह करते हैं, जी हाँ निकाह मस्जिद में हो जाए। इसके बाद अगर आपको वाकई खाने करना है तो कोई बात नहीं, खाना आप मतलब यानी कि जो पकवा लें कैटरिंग से, और उसको मतलब यानी कि जो फूड पांडा वगैरह जैसे जो इदारे हैं, होम डिलीवरी सर्विसेज जो जी है। जी उनके ज़रिए आप खाना पहुँचा दें। अब एक बात का सवाल पैदा होता है कि जब बंदा खाना खाने आता है तो सलामी भी देता है, तो भाई मतलब कोई बात नहीं, जो मोहब्बत वाले लोग हैं वो इजी पैसे से पैसे बेचते हैं। ठीक है, मॉडर्न दौर का इस्तेमाल नहीं तो करें। मतलब कहने का, देखिए आप शादी नहीं रोके,